हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ कोरोना वायरस के ऑल डाटा का रिजल्ट। वर्ल्ड में कितना कोरोना का केस है, किस कंट्री में कितना केसेज है और इसमें इंडिया का यहाँ पे बहुत सारा डाटा है। इसका मैंने मोबाइल एप्लीकेशन भी बनाया हूँ और इसको आप वेबसाइट में भी आप इसको लगा सकते हैं, बट मेरा मेन फोकस था कि मैं इसका मोबाइल एप्लीकेशन बनाऊँ। ये आपका वेबसाइट में भी काम करेगा और ये आपका मोबाइल एप्लीकेशन में भी काम करेगा। तो सबसे पहले इसमें मैं आपको बताऊँगा इसमें क्या क्या फीचर दिया गया है। तो देखिए, आपको यहाँ पे मोबाइल में भी दिख रहा होगा, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वर्ल्ड लिखा हुआ है और वर्ल्ड के नीचे यहाँ पे आपको टोटल केस लिखा हुआ है और यहाँ पे टोटल डेथ लिखा हुआ है। इसके नीचे एक बटन है रीड मोर का बटन। अगर आप रीड मोर बटन पे क्लिक करते हैं, ये जितना भी कंट्री यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कहाँ से आ रहा है, ये मैंने कैसे बनाया हूँ, ये मैंने API के माध्यम से ही बनाया हूँ। तो API में जितना भी कंट्री इंटीग्रेटेड है, उतना कंट्री आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। यहाँ से उतना कंट्री आपको सब देखने को मिल जाएगा, जितना भी कंट्री है। अगर आप चाहे तो आप यहाँ पे उस कंट्री को सर्च भी कर सकते हैं, जिस कंट्री को आप देखना चाहते हैं। तो इस पर क्लिक करेंगे तो उसी तरह से आपका रिजल्ट आएगा। जैसे आप इंडिया पे क्लिक करते हैं तो आपको इंडिया का डाटा यहाँ पे दिखा देगा। सबसे पहले आपको दिखाएगा टोटल केस इतना है, उसके बाद टोटल डेथ, उसके बाद इसे आपका एक्टिव दिखाएगा, उसके बाद रिकवर्ड, क्रिटिकल कितना है, टोटल केस कितना है और टुडे, और ये टुडे डेथ आपको ये दिखाएगा। ये जैसे जैसे API में अपडेट होता रहता है, वैसे वैसे आपको यहाँ पे उसका रिजल्ट देखने को मिलता रहेगा। अब यहाँ पे दो मेन और फीचर यहाँ पे मैंने दिया हूँ, डे वाइज स्टेट मीन्स डे वाइज का डाटा, और इसके नीचे मैंने दिया हूँ स्टेट वाइज डाटा। तो सबसे पहले चलिए मैं आपको बताता हूँ डे वाइज स्टेट के बारे में। तो जैसे कि मुझे जानना है 5 जून का क्या स्टेट्स है, तो मैंने 5 जून पर क्लिक किया। तो देखिए यहाँ पे 5 जून का टोटल केस बता देगा। इसका मतलब है कि शुरू से लेके 5 जून तक जितना केसेज है वो यहाँ पे दिखाएगा, यहाँ पे डेथ दिखाएगा, यहाँ पे डेली केस, यहाँ पे डेली रिकवर, ये सब आपको यहाँ पे दिखाएगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि इंडिया में वो पहला रिजल्ट किस डेट को आया और वहाँ से कैसे कैसे ये ग्रोथ हुआ, तो आप सिंपली यहाँ पे जो नीचे बटन रीड मोर बटन, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है 30 जनवरी। तो 30 जनवरी पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो देखिए 30 जनवरी का आपका केसेज आया था 1 केसेज और डेली केसेज 1, मीन्स 1 ही केसेज आपका आया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 30 जनवरी से केस स्टार्ट हुआ है और वहाँ से लेकर जितना आपका रिजल्ट है सभी यहाँ पे दिखाएगा। अब हम लोग जानते हैं स्टेट वाइज डाटा। यहाँ पे देखिए आपका महाराष्ट्र है, तमिलनाडु, दिल्ली है, गुजरात है। यहाँ पे देखिए फ्रंट पेज में मैंने 10 स्टेट को कैटेगराइज कर दिया हूँ। ये भी डायनेमिक ही आया है। और यहाँ पे अगर आप रीड मोर बटन पे क्लिक अगर आप करते हैं तो पूरा स्टेट आपको दिखा देगा। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से उस स्टेट को आप सर्च भी कर सकते हैं, जैसे कि बिहार सर्च करेंगे तो बिहार आ जाएगा, और बिहार पे आप क्लिक करेंगे तो आपको बिहार का डाटा यहाँ पे शो कर देगा। देखिए टोटल केस है आपका, टोटल डेथ, रिकवर्ड, एक्टिव और डेली केस और डेली डेथ आपको यहाँ से ये दिखा देगा। इसको बैक करते हैं और इसको यहाँ से कट करेंगे तो जितना भी डाटा है फिर आपको यहाँ पे दिखा देगा। जैसे आप महाराष्ट्र पे क्लिक करेंगे तो देखिए महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा केसेज है, तो इसीलिए ये पहले नंबर पे आ रहा है और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा केसेज। तो इस तरह से इसमें इतना सारा आपका फीचर्स है। ये जो मैंने आपके सामने इसका फीचर दिखाया तो ये मोबाइल पर ही बेहतर दिखेगा, क्योंकि अगर आप इसको कंप्यूटर पर देखेंगे तो देखिए इसका डाटा इस तरह से उतना अच्छा इसका डिज़ाइन नहीं मैं बनाया हूँ, क्योंकि मैंने सोचा था कि इसको मोबाइल के लिए बनाऊँ, तो ये मोबाइल पे भी काम करेगा। अगर आप चाहते हैं कि ये एप्लीकेशन कैसे बना स्टेप बाय स्टेप और कोई भी स्टेप मिस ना हो, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको ये ऐसा एप्लीकेशन बनाना आप सीख जाएंगे। सो गाइज, आप कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इसके रिगार्डिंग अगर आपके माइंड में कोई आइडिया है
तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए, मैं उस पर भी वीडियो बनाने के ज़रूर कोशिश करूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।